और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपको पल पल की खबरें दिखाते रहते हैं, उनसे रूबरू करवाते रहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है पूरे हरियाणा में, पूरे देश भर में। अभी सबसे बड़ी जो खबर वो सामने आ रही है वो ये है कि एल्विश यादव जो ओटीटी के ओनर रहे हैं, एल्विश यादव जो जीत करके आए थे ओटीटी टू विनर जो है, उनका एक रंगदारी उनसे मांगी गई थी। पूरा क्या कुछ मामला था उसके लिए हमारे साथ एसीपी क्राइम वरुण जी हैं, उनसे बात करी कुछ करेंगे। सर क्या था ये पूरा मामला और क्या उस अपराधी को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, क्या है पूरा ये मामला? ये एल्विश यादव हैं, बिग बॉस ओटीटी टू के विनर हैं और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं। इनके पास 17 अक्टूबर के आसपास इनके व्हाट्सएप के माध्यम से इनके पास कुछ धमकी भरे मैसेजेस आए एक्सटॉर्शन के संबंध में। उस संबंध में इन्होंने गुड़गांव पुलिस को 25 अक्टूबर को एक लिखित शिकायत दी, कंप्लेंट दी। उसके तहत गुड़गांव पुलिस द्वारा उस पर एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड करी गई, एफ आई रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद जो हमने इसी घंटा से जाँच करनी शुरू करी और हमारे कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा उनके मार्गदर्शन में, हमारे डीसीपी क्राइम विजय प्रताप उनके दिशा निर्देश अनुसार एक टीम गठित करी गई, इनपुट्स इकट्ठे करे गए और फिर जब जो हमारे सस्पेक्ट्स उसमें निकला, जब हमारी जानकारियां ली गई तो वो हमें पता चला कि कहीं गुजरात के अंदर है। तो हमने गुजरात पुलिस के साथ खासकर वडनगर पुलिस की सहायता ली, उनके साथ इनपुट्स शेयर करे गए और यहाँ से टीम रवाना करी। संयुक्त ऑपरेशन करते हुए जो संबंधित जो सस्पेक्ट था उसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी गई और उसको वापस गुड़गांव लाया जा रहा है। सर क्या देख सकते हैं कि इस तरह से मैसेज बना, धमकी भरा मैसेज दिया गया, सिम उसमें इस्तेमाल की हुई होगी, फोन इस्तेमाल किया होगा, और सबसे बड़ी जो चीज आती है कि हर बार कई बार देखा जाता है गुरुग्राम में धमकी भरे जो मैसेज हैं इनमें किसी न किसी गैंग का नाम लिया जाता है, तो क्या कुछ इस तरह की भी गैंग का कुछ नाम लिया गया था और जो फोन और सिम इस्तेमाल की गई है वो क्या बरामद कर ली गई है पुलिस द्वारा? देखिए प्रारंभिक पूछताछ में जो चीजें सामने आई है वो ये है कि इंडिविजुअल का ही अभी सामने रोल आ रहा है, लेकिन क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है इसमें अभी, और इसको पुलिस रिमांड पे जब गुड़गांव वापस लाया जाएगा पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा, गहनता से इसको रिमांड के दौरान और पूछताछ करी जाएगी या किसी दूसरे किसी और व्यक्ति विशेष का इसमें रोल है या किसी गैंग का भी इसमें रोल है, तो संबंधित की सभी अभी जो पुख्ता तौर पर जो जानकारी हासिल करी जाएगी उन रिपोर्ट जो अभी रिमांड के माध्यम से। सर अपराधी ने जो अपराध किया अब उसका प्रोफाइल क्या है, क्या कुछ करता था वो लड़का और उसने इस तरह का रास्ता क्यों चुना, कहा जा सकता है कि जल्दी अमीर बनने के लिए इस तरह का रास्ता उसने इस्तेमाल किया? देखिए जिस तरीके शाकिर मकरानी है, 24 साल इसकी उम्र है, शाकिर मकरानी सन ऑफ शाकिर, ये वडनगर गुजरात का रहने वाला है और ये काफी इंटरेस्ट था ऐसी लाइफस्टाइल के साथ जो खासकर जो एल्विश यादव है उनकी लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होके, तो एक छोटी सी उम्र में ही इस तरीके के सपने सजाने लगा कि किस तरीके से करोड़पति बना जा सकता है। तो इस तरीके के जो माध्यम को उसने इस्तेमाल करा और एक एक्सट्रॉशन भरा मैसेज किसी तरीके से नंबर अरेंज करके जो एल्विश यादव को भेजा और जिस संबंध में जो उसने ये गैरकानूनी गतिविधि में इन्वॉल्व रहा और सारा उसके संबंध में जो एफ आई आर रजिस्टर्ड हुई उसके तहत उसको अरेस्ट करा गया है और घंटा से अभी जांच करी जाए। सर लास्ट सवाल, सर ये मामला कब निकल के आया था, उनके पास मैसेज कब आया था एल्विश यादव के साथ और एल्विश यादव ने कब आपको पुलिस डिपार्टमेंट को शिकायत दी थी? देखिए जो बताया जा रहा है एल्विश यादव अपने एक साथी मैनेजर के साथ किसी विदेशी दौरे पे थे और जब वो 17 अक्टूबर के वापस गुड़गांव आए हैं तो उन्होंने इन मैसेजेस को देखा है और फिर इसके बारे में जो शिकायत है 25 अक्टूबर को गुड़गांव पुलिस के पास दी है। तो गुरुग्राम पुलिस के पास जिस माध्यम से जब जैसे शिकायत मिली एल्विश यादव के माध्यम से उसमें केस रजिस्टर्ड करा गया और फिर जो संबंधित सभी जानकारियां साझा करी गई है और गुजरात पुलिस का बड़ा सराहनीय कोऑपरेशन रहा है गुरुग्राम पुलिस के साथ, जो हमने जब उनके साथ इनपुट शेयर करा काफी उनकी मदद मिली और इसको जो सस्पेक्ट था हमारा उसको पकड़ने में हमें सफलता मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो पूरा जो मामला है वो पुलिस के संज्ञान में आते ही गुरुग्राम पुलिस हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने इस पर कार्रवाई की और सबसे बड़ी जो बात कही जाती है कि गुरुग्राम पुलिस हमेशा एक तत्परता से काम करती है, चौकन्ना होकर काम करती है, जैसे ही शिकायत मिलती है वैसे ही इस पर पूरी कार्रवाई पूरी टीम गठित कर दी जाती है और गुजरात पुलिस के साथ एक पूरी टीम बना करके उस अपराधी को जो है पकड़ लिया जाता है। ये पूरा मामला गुरुग्राम का है, अब जो अपराधी है इसमें सम्मिलित उसको गुरुग्राम लाया जा रहा है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। गुरुग्राम से डिजिटल के लिए अनु सैनी, इंडिया न्यूज हरियाणा।